उमज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुर्मीलाकयाचैतन्यमनोष्टले ददाति शपदान्तिकं वैष्णवांश्च श्रीरूपं रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं शावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानां सहगणालङ्कारश्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे सर्वाणी प्रकारणि निर्विशेष शून्यवादे पश्चादेष्टानि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनवंशते गोपेश कांतो राधा कांतो नमस्ते नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्वा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरे ततो जयं मुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिके हरे कृष्ण तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 24 इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग श्लोक को उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराना। सर्व सदा गुण माहात्म्य
सर्वसद्गुण महात्म्ये कृष्ण कृष्ण मनोव्रत रंति देवाय बोधारो सर्वसद्गुण महात्म्ये सर्वसद्गुण महात्म्ये कृष्ण मनुव्रत एष कृष्ण मनोव्रत रन्ति देवाय बोधारो रन्ति देवाय बोधारो जयातिरिव धार्मिका जयातिरिव धार्मिका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी सर्वसद्गुण महात्मे सर्वसद्गुण महात्मे एष कृष्णम् अनुव्रत एष कृष्णम् अनुव्रत रन्ति देव इव दारो रन्ति देव इव दारो यातिरिव धार्मिका यजातिरिव धार्मिका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्वसद्गुण महात्मये सर्वसद्गुण महात्मये एष कृष्णानुव्रतः एष कृष्णमनुव्रतः रांति देव इवादारो याति रीव धार्मिक जजाति रीव धार्मिक। हरे कृष्णा और कौन पढ़ेंगे? बांकेश्वर प्रभु जी की निराकार व्यक्ति है क्या या साकार है? मैं हरे कृष्ण प्रभु जी मैं सोया था अभी उठा थोड़ा इसलिए मैं और नहीं किया। शरीर में गमछा लगा क्या के श्लोक को पढ़िए? नहीं नहीं मैं थोड़ा रेस्ट लिया था अभी। छह बात सेवा है ना मेरा जो भी है श्रीमद् भागवतम परम सेवा है। मैं इस्कॉन मंदिर में रह रहा हूँ अभी। 6 बजे हमारे आरती शुरू होगा ना 6:30 बजे सेवा में जाना पड़ेगा। अभी ना आएगा थोड़ा टाइम के बाद तो ठीक है। श्रवण कीजिए अपना चलिए विवाह माता जी। हाँ मैं श्लोक पढ़ सकता हूँ लेकिन पढ़िए पढ़िए। ये आ गया वीडियो आ गया श्लोक लॉग हो गया। सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्ण मनोव्रतः रन्ति देव इव दारो यजातिरिव धार्मिक पढ़े क्या प्रभु जी? आप तो माता जी आए हैं कितना दिन बाद थोड़ा दीजिए। हरे कृष्ण। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज जजाति की भांति होगा। तात्पर्य जय प्रभुपाद। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। अल्प ज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते जो उनका दुर्भाग्य ही है। किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है।
अतः परम पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% भगवतीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिनकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने के लिए आवश्यक होता है। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। यह पूरा संभव है कि केवल उनके आदेश का पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान एवं उनका नाम यश गुण तथा साज समान परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में है रहे। अतः उन्होंने भगवान के सारे अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। हरे कृष्णा। रंतिदेव ये महाभारत काल में भी पहले के प्राचीन राजा हैं, जिसका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व 67 से ज्ञात होता है, यह महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिसे वे स्वर्ग लोक गए। ऋषियों को फल कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से हैं जिनका आस्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। जजाति ये विश्व के महान सम्राट हैं और आर्य तथा भारतीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के मुक्त जोगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज किया और अनेक जग तथा पुण्य कार्य किए, उनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक जवन उत्पन्न वसनामय तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था, वे देवयानी के प्रेमापास में फंस गए थे और शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी, जो जवानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण जजाति ने पहले उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। वे विश्व में वर्ण संस्कार जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह से के इस नियम को संशोधित करके राजा जजाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वह भी राजा से प्रेम करने लगी। अतः वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट जजाति को मना किया और शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाया, लेकिन जजाति उनके आदेशों की दृढ़ता से पालन न कर सकी। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इनका इसका पता देवानी को चला, तो वह अपने पिता के पास गई